इस साइज का एक चम्मच भर के मैंने इसमें फेनुग्रीक डाल दिया। फिर इसमें ये मेथी डालेंगे, मस्टर्ड सीड्स, ये मस्टर्ड होता है, दीज आर द मस्टर्ड सीड्स, मेथी, ये मेथी को भी मैंने ग्राइंड कर लिया और एक चम्मच मेथी इसमें डाल दी, पिसा हुआ मेथी, ये राई होता है, पिसी हुई राई, मोटी राई होती है, उसको पीस लिया है और ये करीब आधी चम्मच इसमें गया है। ये है लाल मिर्च, ये तो सभी को पता होता है, लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च है, एक चम्मच ये गया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये टर्मरिक, हल्दी, एक चम्मच हल्दी। एक किलो अचार इतनी आसानी से बन जाता है, थोड़े से ही मसाले लगते हैं, जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं इसी तरह से, और अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डालते हैं, मैं रॉक सॉल्ट डालती हूँ। ये सॉल्ट डाल दिया, किसी को ज़्यादा पसंद है किसी को कम पसंद है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। अब ये मसाले इसमें चले गए, अब इसको ऐसे टॉस कर दीजिए ताकि मसाले इसमें मिल जाए। ये देखिए कितना अच्छा इस पर रंग आया है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत टेस्टी लग रहा है ये शक्कर से। और अगर आप यहाँ होते और इसको सूंघ रहे होते तो आपको पता लगता कि इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मसाले इसके सारे निपट गए हैं, अब हम इस पर क्या करेंगे, सिर्फ दो चम्मच तेल डाल देंगे इसके ऊपर, ये मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, दो तीन चम्मच इस पर सरसों का तेल इसलिए डाला है ताकि ये मसाले इसके ऊपर लिपट जाए अच्छे से। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है, इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा सॉल्ट करेगा और ऑयल करेगा, बस दो ही प्रिजर्वेटिव। अब गाजरें ख़त्म हो रही हैं मार्केट में, गाजर का सर्दियों की वेजिटेबल होती है, इसका सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो कोई भी ऐसी सब्जियां हैं जो कि अब ख़त्म होने वाली हैं और गर्मियों में हमें नहीं मिलेंगी, तो हमें प्रिजर्व, ये पिकल्स जो बनते थे ना दादी नानियाँ जो बनाती थी, एक्चुअली बनाती इसलिए थी, उन दिनों ट्रांसपोर्ट तो होती नहीं थी, तो ट्रांसपोर्ट का तो वो सामान इधर से उधर जाता नहीं था, तो एक ही जगह सामान होता था, बिकता नहीं था,